नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ तरनजीत कौर। पहला पेश ने चुनवीआं खबरां। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति लई नवां सिलेबस विकसित करन वास्ते लोकां नूं खरड़ा सर्वेखण विच हिस्सा लैण दी कीती अपील। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियां दी साफ सफाई नूं जन अंदोलन विच बदलन दी जरूरत ते दित्ता जोर। अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल ने लंपी स्किन प्रभावित पशु पालकों को माली मदद देने की सूबा सरकार तो की मांग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके में एक बस के डूंगे खड्डे डिगण कारण आईटीबीपी के सात जवानों की मौत। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने लोगों को नवा सिलेबस विकसित करने लई नागरिक राष्ट्रीय सिलेबस खरड़ा सर्वेखण विच हिस्सा लैण दी अपील कीती है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति 2020 मुताबिक विकसित भारत का टीचा हासिल करने विच राष्ट्रीय सिलेबस खरड़ा अहम भूमिका निभावेगा। उन्होंने कहा कि जीवंत बहुपक्षी समावेशी भविख वाला राष्ट्रीय सिलेबस खरड़ा दुनिया की नज़र नाल सभ्याचारक वचनबद्धता विदेशी मानसिकता तो मुक्त सिक्ख्या अते अगली पीढ़ी विच माण की भावना पैदा करने लई जरूरी है। सिक्ख्या मंत्रालय ने राष्ट्रीय सिलेबस खरड़ा तय करन अते सिलेबस पाठ पुस्तक ते होर संबंधित समगरी तैयार करने लई ऑनलाइन जन विचार सर्वेखण शुरू किया है। इस विच आम लोगों तो सुझाव सदे गए ने। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि देश के नौजवानों नूं अमृत काल दौरान भारत नूं विकसित देश बनाउण दा यतन करना चाहिदा है। वह अज आईआईटी दिल्ली विखे पब्लिक सिस्टम लैबोरेटरी का उद्घाटन करन मौके बोल रहे सन। उन्हां आईआईटी दे विद्यार्थियों नूं अनेकां पहल शुरू करने लई वधाई दित्ती अते कहा कि पब्लिक सिस्टम लैबोरेटरी कई तरह नाल अहम भूमिका निभा सकती है। पीयूष गोयल ने कहा कि जनतक खुराक खरीद अते वंड अहम प्रोग्राम है जिस विच नवाचार की काफी वरतों हो सकती है। उन्होंने कहा कि एक अजिही पहल है जिहड़ी देश नूं विकसित मुल्क बनावेगी। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियां की साफ सफाई नूं जन अंदोलन विच बदलन की जरूरत ते जोर दिता है। यमुना ते आजादी का अमृत महोत्सव प्रोग्राम नूं अज नवी दिल्ली विच संबोधन करदिआं उन्होंने कहा कि सरकार ने सारियां नदियां नूं साफ अते मुड़ सुजीत करन लई कई कदम चुके ने, पर इस काम विच जन भागीदारी सब तो अहम भूमिका निभावेगी। गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि भारत अपनियां नदियां दी पूजा लई जाणिया जांदा है, पर दूजे पासे सब तो दूषित जल सोमियां वाले देशां विचों इक है। केंद्रीय मच्छी पालन पशु पालन अते डेयरी विकास मंत्री परशोत्तम रूपाला ने पंजाब विच पशुआं विच फैली लंपी स्किन दी बीमारी नाल बने हालात अते सूबा सरकार वल्लों बचा लई कीते जा रहे कारजां बारे अज चंडीगढ़ विच सूबे दे पशु पालन मंत्री लालजीत सिंह भुल्लर नाल इक मीटिंग कीती। इस मीटिंग विच केंद्र अते सूबे दे पशु पालन महकमे दे अधिकारी भी शामिल होए। केंद्रीय मंत्री परशोत्तम रूपाला ने भरोसा दवाया कि दवाईआं दीआं कीमतां वाजब कीतीआं जाणगीआं अते सूबे लोड़ींदी मात्रा विच दवाई की सप्लाई यकीनी बनाई जाएगी। उन्होंने हदायत दित्ती कि प्रभावित पशुओं लई एकांतवास वार्ड बनाए जाण तां जो बीमारी नूं अग्गे वधन तो रोकिया जा सके। कुल मिला के दोनों राज्य सरकारें अपने स्तर पे सतर्कता से और सावधानी से ग्राउंड लेवल पे काम कर रही है। अब इस महामारी को नियंत्रित करने के लिए और भी क्या सावधानी की और आगे की रणनीति में क्या क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इनकी भी सारी जानकारी दोनों राज्यों के अधिकारियों एवं मंत्रीश्रियों के साथ हमने कर दिया है। मैं उम्मीद करता हूं इस प्रकार के सेंसिटाइजेशन करने से इस प्रांत से आगे के प्रांत में इसको जाने से रोकने में
हम कामयाब हो सके, ये हमारा मकसद। मीटिंग विच लालजीत सिंह भुल्लर ने दस्या कि बीती शाम तक गोटपोक दवाई दियां तकरीबन 2,05,000 दे करीब खुराकां सेहतमंद पशुआं नूं लगाईआं जा चुकीआं ने अते पीड़ित पशुआं दी निरंतर निगरानी कीती जा रही है। श्रोमणी अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने सूबे विच लंपी स्किन बीमारी नाल प्रभावित पशुआं की असरदार निगरानी अते टीकाकरण लई केंद्रीय पशु पालन ते डेयरी मंत्री नूं केंद्रीय टीमां पंजाब विच भेजण की अपील की थी। एक ट्वीट विच उन्हां कहा कि पशु पालकां दा बोझ घटाउण लई मुख्यमंत्री भगवंत मान नूं घट्टो घट्ट 50,000 रुपए प्रति पशु मुआवजा जारी करना चाहिदा है। हरसिमरत कौर ने कहा कि लंपी स्किन बीमारी पंजाब विच पशुआं नूं तबाह कर रही है, सैकड़े गावां मर चुकियां ने, हजारा होर पशु इस वायरस नाल गंभीर तौर ते बीमार ने। उन्हें कहा कि इस नाल किसानां ते डेयरी मालकां नूं भारी माली नुकसान हो रहा है। हरसिमरत कौर ने कहा कि मंदभागा है कि आम आदमी पार्टी की अगवाई वाली पंजाब सरकार जरूरी काम करन विच नाकाम रही है। पंजाब विधानसभा के स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने कहा है कि छेती ही विधानसभा का सारा काम पेपर मुक्त हो जाएगा और सारे विधायकों के मेजा से कंप्यूटर लगाने का काम जोर से चल रहा है। चंडीगढ़ स्थित पंजाब विधानसभा विच कंप्यूटराइजेशन अते डिजिटाइजेशन संबंधी कमेटी दी अज हुई एक मीटिंग दौरान उन्होंने जानकारी दी। कुलतार सिंह संधवा ने संबंधित महकमियां नूं कहा कि नैशनल ई विधान एप्लीकेशन लागू करने लई कोशिशां तेज कीतियां जाण तां जो छेती ही विधानसभा की सारी कार्रवाई पेपर मुक्त हो सके। मगरों उन्हां विधानसभा हाल विच कंप्यूटर स्थापित करने दे काम दा जायजा भी लिया। भारतीय जनता पार्टी पंजाब दे मीत प्रधान राकेश राठौर ने कहा है कि स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वरेगंढ संबंधी शुरू किए गए अमृत महोत्सव अभियान नूं विदेशां विच रहिंदे भारतीयां दा वड्डे पद्धर ते समर्थन मिल रहा है। आस्ट्रेलिया दे अपने दौरे दौरान उन्हां भारतीय झंडा फहराया अते कहा कि संचार दे वख-वख माध्यमां राहीं दुनिया भर विच नौजवान वर्ग भारत दी आजादी तों पहलां अते बाद दीआं वख-वख घटनावां बारे खास रुचि लै रहा है। राकेश राठौर ने कहा कि राष्ट्रीय झंडे तिरंगे दा भारत दे नाल नाल विदेशां विच वी फहराया जाणा दुनिया विच देश दे वधदे अक्स दा प्रतीक है अते हर भारती लई इह माण दा मौका है। स्वतंत्रता दिवस, आजादी का अमृत महोत्सव अते हर घर तिरंगा अभियान तहत भारतीय फौज की जलंधर छौनी स्थित वजर कोर के लैफ्टीनेंट जनरल दविंदर शर्मा ने वजर शौर्य स्थल से सारे रैंकों की मौजूदगी विच राष्ट्रीय झंडा फहराया। इस मौके फिल्म की विशेष स्क्रीनिंग भी रखी गई अते वड्डी गिनती विच फौजी जवानों ते उन्हां दे परिवारों ने फिल्म नूं देखिया। फिरोजपुर, अमृतसर, लुधियाना, गुरदासपुर, ब्यास अते जलंधर दे मिलिट्री स्टेशनां दे सारे प्रोग्रामां विच स्कूली अते कॉलेजां दे बच्चियां, नागरिकां, साबका फौजियां अते फौजियां अते उन्हां दे परिवारां ने उत्साह नाल हिस्सा लिया। इन्हां समागमां ने साडे महान राष्ट्रपति, हर नागरिक अते फौजी जवान विच अथाह माण, देश भगती दा जज्बा अते फर्ज दी भावना पैदा कीती। 76वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर पंजाब केंद्रीय यूनिवर्सिटी बठिंडा के वाइस चांसलर प्रोफेसर राघवेंद्र प्रसाद तिवारी ने बठिंडा के कुछ शहीदों के परिवारों और वंड की त्रासदी दौरान बेघर होने वाले कुछ परिवारों को सम्मानित किया। उन्हें यूनिवर्सिटी के अध्यापकों और गैर टीचर स्टाफ के विद्यार्थियों नाल रल के शहीद नंद सिंह और कारगिल के शहीद संदीप सिंह के बुत ते शरदा के फुल भेंट किए। प्रोफेसर तिवारी ते होरना ने वंड के शिकार सुदेश राणी और जंगी लाल के परिवार नाल विचार सांझे किए। पंजाब पुलिस ने पिछले हफ्ते दौरान एनडीपीएस एक्ट तहत 45 भगौड़िया गिरफ्तार किया है। इंस्पैक्टर जनरल पुलिस हैडक्वार्टर सुखचैन सिंह गिल ने अज चंडीगढ़ विच यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पुलिस टीमां ने एक्ट तहत उन्हां भगौड़िया भी गिरफ्तार किया है जिहड़े 1980 और 1990 के दहाके अपनी गिरफ्तारी तो बच रहे सन। उन्होंने कहा कि नशीलियां वस्तां अते नशा तस्करां नूं फड़न लई पुलिस सूबे भर विच नाके लगाउण दे नाल नाल होर कदम भी चुक रही है। सुखचैन सिंह गिल ने कहा कि लोकां खास तौर ते नौजवानां नूं नशियां दे माड़े प्रभावां तों जाणू करवाउण लई पंचां सरपंचां दे सहयोग नाल जागरूकता मुहिम चलाई जा रही है। साबका प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी नूं उन्हां दी चौथी बरसी ते अज देश भर विच निघियां श्रद्धांजलियां दित्तियां गईयां।
अटल बिहारी वाजपेयी का सन 2018 अज के ही दिन देहांत होया सी। 25 दिसंबर 1924 ग्वालियर विखे जन्म लैण वाले अटल बिहारी वाजपेयी ने अपने जनतक जीवन दौरान भारत के विकास विच वडमुला योगदान दिता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृहमंत्री अमित शाह, साबका राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, भारतीय जनता पार्टी के प्रधान जेपी नड्डा और होरना सीनियर आगुआ ने अटल बिहारी वाजपेयी की नवी दिल्ली स्थित यादगार सदैव अटल से मरहूम नेता नूं निघियां श्रद्धांजलियां भेंट कीतियां। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके विच अज सवेरे भारत तिब्बत सीमा पुलिस बल की एक बस के 100 फुट डूंघे खड्डे विच डिगन कारण 7 जवानों की मौत हो गई अते 30 होर जख्मी हो गए। यह हादसा सवेरे 11 बजे के करीब वापरिया जदों ये सारे जवान अमरनाथ यात्रा तो ड्यूटी करके स्टार्टिंग प्वाइंट चंदनवाड़ी तो पहलगाम इस मंदभागी बस विच वापस परत रहे सन। बस विच बल दे 39 जम्मू कश्मीर पुलिस के 2 जवान भी सवार सन। हादसे के कारण बस की ब्रेक फेल होना दसिया जा रहा है। जख्मियों नूं नेड़ले हस्पतालों विच दाखिल करवाया गया है। हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में पिछले दिनी हुई लगातार भारी वर्खा मगरों वख-वख नदी नालियां दा पानी मैदानी इलाकों वल आ रहा है। नदियां दा जल पद्धर वधन दा सब तो ज्यादा असर पठानकोट जिले के कुछ इलाकों ते पिया है। जिले के इन्हां इलाकों में कई कई फुट पानी इकट्ठा हो गया है अते लोकां दे घरां तक पुज गया है। इस नाल लोकां दा जरूरी समान खराब हो गया। ਭਾਖੜਾ ਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ ਇਸ ਵੇਲੇ 1639.67 ਫੁੱਟ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਖਤਰੇ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 42 ਫੁੱਟ ਘੱਟ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦਾ ਵਾਟਰ ਲੈਵਲ 1359 ਫੁੱਟ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। पंजाब स्टेट पावर कारपोरेशन वालों नवगठित कारपोरेट खपतकार शिकायत निवारण फोरम ने भलके 17 अगस्त नूं उत्तर अते बार्डर जोन नाल संबंधित बिजली खपतकारां दी सहूलत लई जलंधर दे शक्ति सदन विच एक विशेष सुनवाई रखी है। कारपोरेशन दे एक बुलारे ने दस्या कि इह सुनवाई कल सवेरे 11 बजे शुरू होवेगी। इस विच बिजली दे गलत बिल बनन, सर्विस कनेक्शन चार्ज और सिक्योरिटी समेत होर शिकायतां सुनियां जाणगियां। आम तौर पर यह सुनवाई फोरम दे लुधियाना स्थित हैडक्वार्टर विच कीती जांदी है, पर हुण खपतकारां दी सहूलत लई यह सुनवाई सूबे दीआं वख-वख थावां ते कीती जावेगी। उत्तर जोन विच जलंधर, कपूरथला, हुशियारपुर ते शहीद भगत सिंह नगर सर्कल शामिल ने, जबकि सरहदी जोन विच अमृतसर सिटी सर्कल, सन अर्बन सर्कल अमृतसर, तरन तारण अते गुरदासपुर सर्कल शामिल ने। खबरां दे बुलेटिन साडे दर्शक आरएनयू डीडीके जलंधर दे यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज अते ट्विटर हैंडल ते भी वेख सकदे ने। ते बुलेटिन दे अखीर विच चुणवीआं खबरां इक बार फिर तों। केंद्रीय सिक्ख्या मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राष्ट्रीय सिक्ख्या नीति लई नवां सिलेबस विकसित करन वास्ते लोकां नूं खरड़ा सर्वेखण विच हिस्सा लैण दी कीती अपील। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने नदियां दी साफ सफाई नूं जन अंदोलन विच बदलन दी जरूरत ते दित्ता जोर। अकाली सांसद हरसिमरत कौर बादल ने लंपी स्किन प्रभावित पशु पालकों नूं माली मदद देने की सूबा सरकार तो कीती मंग। जम्मू कश्मीर के पहलगाम इलाके विच एक बस के डूंघे खड्डे विच डिगन कारण आईटीबीपी के 7 जवानों की मौत। ਤੇ ਜਨਾਲੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੋਇਆ। ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ, ਨਮਸਕਾਰ।